हे एवरी वन आज हम कर रहे हैं प्लैंडर्स इंट्रैक्शन अनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या इसमें क्या बातें हम करेंगे उसके बाद हम इस पर चलते हैं तो बेसिकली इस मैथड का जो मेन पर्पज़ है कि जो टीचर का बिहेवियर है अब टीचर के बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टीचर क्या क्वेश्चन पूछ रही है क्या मतलब उसके एक्सप्रेशन हैं नॉन वर्बल भी होते हैं वर्बल भी होते हैं लेकिन इस मेथड के थ्रू सिर्फ हम वर्बल जो एक्सप्रेशन है बोल कर टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है बच्चों को या क्वेश्चन पुट कर रही है या क्रिटिसाइज़ कर रही है या अप्रिशिएट कर रही है तो बहुत सारे टीचर के टास्क होते हैं बच्चों को प्रोवोक करती है कि वो बोले बच्चे भी बच्च, मैम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये सारी जो एक्टिविटी है इसको हम टीचर बिहेवियर कह देते हैं इसके अलावा इस मैथड के थ्रू हमें टीचर की एफिशिएंसी के बारे में भी पता चलता है और कितना लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव रहा और इफ़ेक्टिव रहा वो भी पता चलता है ठीक है तो इसलिए हम इसको करते हैं वन बाय वन डिटेल के अंदर तो इसके अंदर हम प्रोसेस जो क्लासरूम के अंदर हो रहा है उसको भी सिस्टेमेटिक एनालिसिस है ठीक है ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें सिस्टम से चलता है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का स्टेप और हमें वैसे ही करना होता है हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते फिर जो है इसमें टीचर का बिहेवियर और प्रोसेस को देखा जाता है और इसमें वर्बल जो बिहेवियर है वो चेक किया जाता है और ये जो मेथड है वो डेवलप किया गया था हमारे पास नेट फ्लैंडर ने इन 1959 के अंदर ठीक है तो इससे सोशल इमोशन क्लाइमेट भी पता चलता है लर्निंग का कितना इफेक्टिव रहा इसके अलावा ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्वेश्चन पूछ कर और क्रिटिसाइज करके गिविंग या डायरेक्शन देकर टीचर जो है अपने एक्ट्स जो है इसके अंदर करती है और उसी को ही नोट किया जाता है फिर इसके अंदर फर्दर हमारे पास टू चीज़ें हैं जो कि हम करेंगे प्रोसेस के अंदर एक है हमारे पास एनकॉर्डिंग और एक है रिकॉर्डिंग ठीक है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है एनकॉर्डिंग के अंदर हम मीनिंगफुल वे से हर बात को नोट करते हैं हर थ्री सेकंड के बाद इसको हम डिटेल के अंदर इनकॉिंग एंड रिकॉर्डिंग को आगे हम डिटेल में लिखेंगे लिखना है हमको प्रॉपर ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में एक दो लाइन के अंदर जिक्र कर देंगे कि हम आगे करने क्या वाले हैं तो एनकॉर्डिंग के अंदर हम मीनिंगफुल वे से हर एक चीज़ को लिखते हैं हर थ्री सेकेंड के बाद कि टीचर अब क्या एक्टिविटी को यूज़ कर रही है कौन सी कैटेगरी को यूज़ करिए कैटेगरी भी डिस्कस करते हैं अभी हम रिकॉर्डिंग क्या होता है इसके अंदर हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर वो सारा जो भी एंडकॉर्डिंग के अंदर हमने डेटा स्टोर किया एक पेपर के ऊपर उसको हम अनालिस करते हैं अच्छे से ठीक है वो एक टेबल के ऊपर मैट्रिक टेबल के ऊपर करते हैं तो उसको भी हम आगे करेंगे अब प्लैंडर ने ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको टेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है और इसको थ्री पार्ट्स के अंदर डाल दिया है तो सबसे पहले हमारे पास है टीचर टॉक स्टूडेंट टॉक और जो साइलेंस और कन्फ्यूजन की स्टेज है टीचर टॉक के अंदर हमारे पास सेवन कैटेगरीज आ जाती हैं जिसके अंदर एक्सेप्ट फीलिंग हो गया प्रेज हो गया इंक्रेज करना हो गया बच्चे को एक्सेप्टिंग आइडियाज आस्किंग क्वेश्चन लेक्चर देना गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसिजम इसको हम सबको एक्सप्लेन भी करना है ठीक है ये भी पार्ट रहेगा आपके जब भी आप आंसर शीट लिखेंगे तो इन सारे पार्ट्स को आपको थोड़ा थोड़ा टू टू लाइन्स के अंदर या वन वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर टीचर करती क्या है फोर जो फर्स्ट हमारे पास फोर पार्ट है इसको हम इनडायरेक्ट टॉक कह देते हैं प्लैंडर के अकॉर्डिंग और ये जो है हमारे पास डायरेक्ट टॉक रहती है फिर जो स्टूडेंट है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स मतलब बच्चा को जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिस्पॉन्स करता है और बच्चा खुद जो है इनिशिएट करता है या फिर आ, कुछ क्या कहते हैं उसके मन में कोई बात है तो वो शेयर करता है फिर एक स्टेज आ जाती है जब बच्चे को कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा या वो कन्फ्यूज हो गया है या कोई भी एक्टिविटी दस में से कुछ भी नहीं हो रहा है क्लासरूम में एक साइलेंस की स्टेज आती है कभी कभी बीच में कन्फ्यूजन की स्टेज आती है तो उसको इसने अलग कैटेगरी में रखा है तो इन सारी कैटेगरी के अंदर हम एक एक लाइन को लिख लेते हैं दो दो लाइन को समझ लेते हैं तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टिंग फीलिंग कि टीचर जो है बच्चे को अंडरस्टैंड करती है और उसकी जो भी क्वेश्चन है या फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करती है ताकि बच्चा ईजी फील करे और कम्फर्टेबल फील करे प्रेज़ और इंकरेजमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं जो टीचर है वो बच्चे को इंक्रेज़ करती है कुछ अच्छे वर्ड्स के जस्ट के साथ जैसे गुड हो गया एक्सीलेंट हो गया कीप इट अप हो गया सुपर एक्सेट्रा इस टाइप के वर्ड्स के साथ बच्चे को इनक्रेज़ करती है आस्किंग क्वेश्चन में टीचर जो है बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए ताकि वो पार्टिसिपेट करे जैसे टीचर पार्टिसिपेट कर लिए इसलिए वो बच्चे से क्वेश्चन पुट करती है इसके अंदर एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज़ के अंदर बच्चा कुछ आइडिया अगर उसके माइंड में आ रहा है और वो क्लासरूम में शेयर कर रहा है तो टीचर जो है उसके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करती है और उसको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए मीन्स uh, उसको रिस्पेक्ट भी देती है कि यस yes, अगर उसका मन है तो वो बोल सकता है फिर हमारे पास लेक्चर मैथड के अंदर है हमारे पास कि टीचर जो है इसमें उसका एक्टिव पार्ट रहता है बच्चे का रोल थोड़ा इसमें पैसिव हो जाता है टीचर को वर्बली जो टॉपिक है टास्क है वो डिटेल के अंदर इसमें एक्सप्लेन करना होता है फिर इस कैटेगरी के अंदर टीचर जो है कुछ डायरेक्शन देती है जैसे कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें मैम कौन सा चार्ट बनाए कहाँ से लें ये सब तो ये सब इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कब बच्चे को क्या करना है कितने बजे के बाद क्या करना है तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि टीचर जो है प्रोवाइड करती है ताकि बच्चा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपने गोल पर और अपने टास्क पर स्टिक रहे फिर है हमारे पास क्रिटिसाइज़ इसके अंदर टीचर जो है सम टाइम जब बच्चा प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है क्लास में या एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीचर को कुछ वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है उसे क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है ताकि जो है वो सुधर जाए तो इसलिए इसके अंदर हम टीचर का जो एक्टिविटी रहती है फिर है हमारे पास पीपल टॉक रिस्पॉन्स इसके अंदर टीचर कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं और बच्चे जो है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ओबे करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं पीपल जो है पीपल इंट्रैक्शनि इनिशिएशन के अंदर हमारे पास है कि बच्चा खुद इनिशिएट करता है कुछ डिस्कशन करने के लिए या फिर खुद ही अपने आप से उसके मन में कुछ आइडिया आते हैं जिससे वो क्वेश्चन पुट करता है या कुछ कहता है फिर एक साइलेंट और कंफ्यूजन की स्टेज आती है जब बच्चे को कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है या फिर क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है टीचर अपने आप से कुछ सोच रही है या फिर कुछ और काम कर रही है तो साइलेंस और कन्फ्यूजन की स्टेज अगर हो अब है हमारे पास कि प्रोसेस कैसे चलता है अभी तक हमने समझा कि क्या क्या होता है क्लासरूम के अंदर लेकिन आगे जो मेन प्रोसेस है इंट्रैक्शन अनालिसिस का वो कैसे होता है तो इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी थोड़ा सा देखा था कि इनकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के थ्रू ठीक है किस चीज़ की इंकॉर्डिंग होती है कि जो भी एक्टिविटीज जो वो टेन कैटेगरीज अभी हमने देखी हैं वो कैसे क्योंकि बहुत क्विकली होती हैं हर थ्री सेकंड के बाद एक्टिविटी चेंज होती है टीचर अभी अभी लेक्चर दे रही है अभी अभी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रही है अभी अभी क्वेश्चन पुट किया अभी अभी बच्चे को अप्रिशिएट किया अभी अभी बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया ठीक है तो इस तरह से हर थ्री सेकंड फोर सेकेंड के बाद जो है टीचर की जो एक्टिविटी है वो चेंज हो रही है तो वो सारी एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है जो टीचर के अलावा क्लासरूम में प्रेजेंट होना चाहिए जो ये सारी एक्टिविटीज़ को देखे ऑब्जर्व करे ठीक है तो वो जो क्या करता है वो बिहेवियर को देखते हैं और उसको इंकॉर्ड करते हैं किसी पेपर के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर हर थ्री सेकेंड के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हर थ्री सेकेंड के बाद होता है और वन मिनट तक जो है वो सारी चीज़ों को नोट किया जाता है एटलीस्ट ट्वेंटी कैटेगरीज हैं जो हैव टू बी क्लासीफाइड और अटेंशन टू बी पेड टू दी एक्यूरेसी ऑफ इनकॉडिंग ठीक है ट्वेंटी कैटेगरीज जो है वो कहीं ना कहीं डाली जानी चाहिए ताकि मोर एक्यूरेट हमारे पास आंसर आए ठीक है एटलीस्ट मतलब आप कम भी ले सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ट्वेंटी भी ले सकते हैं वो कोई इश्यू नहीं है बट वो कहते हैं कि मोर एक्यूरेसी के लिए आपको ट्वेंटी कैटेगरीज जो है वो एड ऑन करनी चाहिए फिर है हमारे पास रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि हम वो सब जो अब डेटा उसने स्टोर किया एक पेपर के ऊपर मान लो कि हमने वो सारी एक्टिविटीज़ लिख दिए हैं कि हर सी सेकेंड के बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ एक्चुअली में हम इसके सीरियल नंबर को लिखते हैं तो जैसे वन से सेवन हमने टीचर टॉक को दिया था तो वन टू सेवन वो सीरियल नंबर वैसे ही चलेगा फिर एट और नाइन जो है वो स्टूडेंट टॉक पे था और टेन जो था वो साइलेंस पे था और कन्फ्यूजन पे था तो वो जो कैटेगरी है ऐसे ही चलेगी तो वो कैटेगरी का नंबर हम लिखते हैं ठीक है ऐसे ही नहीं लिखते टीचर टॉक अभी हम आगे देखते हैं ठीक है तो वो नंबर को हम याद रखते हैं कि कौन सा कौन सा नंबर था फिर इसके अंदर हम एक मैट्रिक क्रिएट करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करें तो मैट्रिक कंस्ट्रक्शन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हम कैटेगरी जो है वो नोट डाउन कर रहे हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग के अंदर हम उसके अंदर सीरियल नंबर लिखते हैं मीन्स जैसे कि एक्सेप्टिंग आइडियाज़ है तो हम उसमें थ्री लिख देंगे ठीक है ना कि एक्सेप्टिंग आइडियाज़ लिखेंगे अगर टीचर लेक्चर दे रही है तो हम उसके आगे फाइव लिख देंगे मीन्स कि हमको ये नंबर याद रखें ना कि हमको वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी का नेम है वो याद रखना है तो कंस्ट्रक्शन और मैट्रिक में सबसे पहले हम करते हैं इनकॉर्डिंग इनकॉर्डिंग के अंदर हमने सारे जो है सीरियल नंबर लिख लिए हैं कि जैसे सबसे पहले सेकंड परफॉर्म हुआ फिर फर्स्ट कैटेगरी परफॉर्म हुई थर्ड कैटेगरी परफॉर्म हुई ऐसे आप ट्वेंटी भी लिख सकते हैं दैट इज़ योर चॉइस तो क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास सीरीज़ है इसके आगे और पीछे हम टेन टैन लिख देते हैं यही इसका ट्रेडिशन जो है वो चला आ रहा है ठीक है इसके अंदर बिगनिंग में और इसके एंड के अंदर हम टेन टेंट टू ऐड कर देते हैं फिर जो है हम इसकी पेयरिंग करते हैं पेयरिंग के अंदर हम फर्स्ट टू ले लेंगे ठीक है जैसे कि हमने ये लिया है फिर नेक्स्ट टू लेंगे मतलब टू भी इंक्लूड होगा और वन भी इंक्लूड होगा फिर वन दोबारा से आएगा और थ्री इंक्लूड होगा फिर थ्री और सिक्स होगा फिर सिक्स और एट होगा इस तरह से हम जो है इन सारे स्टेप्स की क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे तो इसके अंदर ये हमको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आगे और पीछे टेन टेन ऐड किया जाता है तो डिकोडिंग के अंदर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर टेन कॉलम्स और टेन रोज जो होती हैं उसके अंदर फिर जो हमने अभी पेयरिंग की है इनकोडिंग के अंदर जो हमें हमने अभी ने देखा था तो वो जो पेयरिंग है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो है हम बना लेते हैं तो मैट्रिक की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ऊपर हम टेन जो है एक तरह से कॉलम्स जो है डिवाइड करते हैं और टेन ही हम क्या लेते हैं रोज़ लेते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमने टोटल जो टीचर टॉक है वो सेवन हमारे पास कैटेगरीज होती हैं उसको डिवाइड कर दिया है फिर हमने स्टूडेंट टॉक की कैटेगरी को डिवाइड कर दिया फिर हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी थी साइलेंस की उसको अलग से लिख दिया अब हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने नंबर्स पेयरिंग करी थी वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं तो फर्स्ट जो है टेन और टू है तो जो टेन है वो हमको क्या लेना है रो से लेना है जो फर्स्ट जो इधर से हम लेंगे ओके okay, टेन है और जो हमारे पास सेकंड जो नंबर होगा उसी पेयर का एक ही पेयर का जो सेकंड नंबर है वो हम कॉलम से लेंगे तो हमारे पास दोनों का जो जॉइंट है वो यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे हम वन लिख देते हैं इसी तरह से सेकंड अगर नंबर देखें वो है हमारे पास टू और वन टू अगर हम देखें ऊपर से यहाँ से देखें तो टू जो है हमारे पास यहाँ पर आता है और जो वन है वो कॉलम से देखा जाए तो यहाँ पे आता है ठीक है तो बेसिकली हमें याद रखना है जो एक भी पेयर का जो फर्स्ट नंबर है वो हम किसका ले रहे हैं रो का ले रहे हैं और सेकंड नंबर हम कॉलम से देख रहे हैं और जो फिर हमने रो की साइड से वो नंबर को हम वहाँ पर वन लिख देते हैं फिर ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वन और थ्री है वन हमने लिया यहाँ से रो से और जो हमें पता है नेक्स्ट जो है हमें कॉलम का देखना है तो कॉलम के अंदर जो वन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है मतलब दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये हो जाता है तो यहाँ पे हम वन लिख देंगे ऐसे ही फिर जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्री और सिक्स है थ्री जो है हम यहाँ से देखते हैं सबसे पहले और सिक्स जो है यहाँ से तो यहाँ पे इनका जो है हमारे पास पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे हम वन लिख देंगे ठीक है आमने सामने जहाँ मतलब तो दोनों जो है कहीं ना कहीं ज्वाइंट करें वहाँ पे हम वो नंबर लिख देते हैं इस तरह से सारे नंबर्स जो है हमने लिख दिए हैं फिर हम क्या करते हैं कि हर जो एक रो है उसका भी जॉइंट लेते हैं मतलब जोड़ लेते हैं सम लेते हैं जैसे कि यहाँ पे सिर्फ वन ही आया है इसके अंदर हमारे पास वन प्लस वन प्लस थ्री है ठीक है ऐसे ही हमारे पास नीचे भी हम प्लस करते हैं कि जैसे इसके अंदर वन और वन वन मतलब एक ही है पूरी रो के अंदर इसके अंदर वन प्लस वन टू हो गया हमारे पास इसके पास सिर्फ वन ही है यहाँ भी वन है यहाँ कोई भी नहीं है तो ज़ीरो लिख दिया यहाँ वन है या वन है यहाँ भी टू हो गया तो इस तरह से दोनों साइड के अंदर हम सम करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है तो ऐसे ही हम जो जो दोनों एक का टोटल आएगा जैसे यहाँ पे ट्वेल्व आया है चाहे हमने रोज का टोटल किया चाहे कॉलम का टोटल किया जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ आ रही है वो दोनों साइड से कितनी आ रही है ट्वेल्व आ रही है तो ये हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती है जो ट्वेल्व आया है ये हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की है जो भी वो ऑब्जर्वर था उसने ट्वेल्व टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन करी है तो वो जो है इसको आगे हम इसमें परसेंटेज के अंदर यूज़ करते हैं कि कितनी जो है टीचर टॉक रही है कितनी स्टूडेंट टॉक रही है कितनी साइलेंस रही है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो ये रहते हैं इसके अंदर हमने सबसे पहले टोटल ऑब्जर्वेशन लिख दिया है फिर हमारे पास जो फॉमूला है वो ये रहता है कि जैसे कि हमें टीचर की कैटेगरी निकालनी है कि टीचर ने कितना परसेंट दिया है टीचर का जो बिहेवियर है वो कितना परसेंट आया तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ़ टीचर की कैटेगरीज़ है वो हम लिखते हैं इनटू में हम जो मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से और फिर टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन आई है हमारे टेबल से उसको हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह से हमने टोटल नंबर ऑफ जो कैटेगरी है टीचर कैटेगरी है वो हम देखते हैं यहाँ पे तो ये जो आप देख रहे हैं वन प्लस टू प्लस वन टू ये कहाँ से आया है ये हमारे पास आया है अगर आप देखें तो हमने जो है सेवन कैटेगरीज़ लेनी है ठीक है टीचर टॉक की सेवन कैटेगरीज़ हैं तो हम इसमें ये वाले नंबर लेते हैं जो हमने सम करके निकाले हैं ओके तो यहाँ पे वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ये रहेगा जो कि हमारे पास आता है कहीं ना कहीं चार पाँच सिक्स सेवन सेवन जो है जो हमारे पास सेवन हो जाएगा इन इन जो सात जो हमारे पास संख्या है इनका सम करके वो हमारे पास जो है कहीं ना कहीं टीचर कैटेगरी के अंदर हम लिखेंगे तो हमारे पास फॉमला था ये जिसके अंदर हमने टोटल नंबर ऑफ टीचर कैटेगरी का ये जो हमारा सम आया था नीचे वो हम ऐड ऑन कर दिया तो सेवन बनता है सेवन मल्टीप्लाई हंड्रेड बाई ट्वेल्व जो है ऑब्जर्वेशन है तो जो परसेंटेज आएगी फिफ्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट आएगी ऐसे ही हमारे पास अगर हम स्टूडेंट रिस्पॉन्स देखें तो हमारे पास जो एड कैटेगरी जो एट और नाइन के अंदर हमारे पास आई है वो हम करेंगे तो अगर हम नीचे देखते हैं कॉलम के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे एट और नाइन के अंदर टू है और वन है ठीक है तो टू और वन जो है वो हमारी कैटेगरीज जो है ऐड हो जाएंगी वहाँ पे जो हमने स्टूडेंट टॉक के अंदर लिखनी है तो यहाँ पे टू प्लस वन बाकी जो है सेम रहेगा तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम सॉल्व करते हैं तो आते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा है टीचर का जो रिस्पॉन्स बिहेवियर है वो फिफ्टी एट परसेंट रहा है पॉइंट फाइव रहा है फिर टीचर का इनडायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अब टीचर बिहेवियर में हमने दो जो है फ्लैंटर ने डिवाइड किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो वो अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे कि पूरा हमारे पास सेवन होता है हमें पता है लेकिन जो हमारे पास इनडायरेक्ट कैटेगरी थी वो फोर थी और नीचे की थ्री को हम डायरेक्ट कैटेगरी मानते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ फोर ऐड कर सकते हैं मतलब फ़र्स्ट फोर ऐड कर सकते हैं तो जो फर्स्ट फोर है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं नहीं तो अपनी मैट्रिक से जाके हम देख लें तो वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन तक ये हमारे फोर रहेंगी तो वो फोर का भी हम निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमारे पास थर्टी थ्री पॉइंट थ्री जो है इसका आंसर आ जाता है ऐसे ही आप साइलेंस का भी अलग से निकाल सकते हैं तो ये कुछ एग्जांपल जो है आप दे सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर फिर हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवाटेजेस क्या रहती हैं कि एक इफेक्टिव टूल है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सोशल uh, और इमोशनल क्लाइमेट इन द क्लासरूम कैसा चल रहा है फिर हमारे पास फीडबैक प्रोवाइड करता है रिलायबल भी है ये मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़फुल है टीम टीचिंग और जैसे माइक्रो टीचिंग होती है उन चीज़ों के लिए यूज़फुल है क्योंकि उसमें टीचर्स जो हैं ऑब्जर्वर्स जो हैं वो हमको मिल जाते हैं फिर यह मैथड जो है एम्फेसाइज करता है ऑन डिस्कशन कहीं ना कहीं टीचर टॉक और बच्चे का रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछना ये सब जो है यहाँ पे इस के अंदर एम्फेसाइज होते हैं फिर है लिमिटेशन क्या है इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके ऊपर जो है पेयड कम अटेंशन दिया गया स्टूडेंट टॉक की सिर्फ टू ही कैटेगरी है देखा जाए तो टीचर की सेवन कैटेगरीज है तो कहीं ना कहीं ये लर्नर सेंटर्ड मैथड नहीं है टीचर सेंटर मैथड है फिर है ऑलवेज ऑब्जर्व स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो है ऑलवेज़ ऑब्जर्वर शुड प्रेजेंट इन द क्लास सोरी कि कहीं ना कहीं हमेशा हमारे पास एक सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर प्रेजेंट होना चाहिए जो ये सब कैटेगरीज को नोट डाउन करे अदरवाइज अगर टीचर पढ़ा रही है तो वो 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 साथ साथ जो इन एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकती तो हमेशा एक इसके अंदर ड्रॉबैक रहेगा कि एक सेकेंड पर्सन की ज़रूरत हमको पड़ेगी फिर समटाइम्स बिहेवियर कुड भी स्किप्ट अब मान लो कि जो ऑब्ज़रवर है वो लेज़ी है या फिर उसका ध्यान कहीं भटक जाता है और उसके कोई कैटेगरी मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट हमको नहीं मिलता फिर ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है ये कि पूरा हिसाब निकालना फिर दिस इज़ अ नॉट कम्प्लीट रिसर्च मैथड क्योंकि इसको फ्लैंडर ने एक रिसर्च मैथड कहा था लेकिन ये कम्प्लीट नहीं है कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है तो इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग की वॉचिंग दिस चैनल स्टे प्लेज स्टे हैप्पी